जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UKPSC उत्तराखंड SI ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाई स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। ये आपका अप्लाई लिंक है, आपको यहाँ पर आने के लिए क्या करना होगा, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। यह लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 222 पद निकाले हैं SI, SI प्लाटून कमांडर और गुलम नायक फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर इन पोस्ट पर। और आपका जो लास्ट डेट है वो यहां पर 20 फरवरी 2024 रखा गया है। एंड कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर के अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको अप्लाई के सामने इस वाले जो आप देख ही पा रहे हैं आपकी ये वाला फॉर्म, इसमें आपको क्लिक करके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप यहां पर इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, अभी आपको यहां पर आना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहां पर सबसे पहले आपसे सवाल पूछा है कि क्या आपने UKSSC द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 43 ये जो 3/1/2022 में आया था, क्या उसमें भी आवेदन आपने किया था, अप्लाई आपने किया था? अगर हाँ तो यस करेंगे। एंड फिर जो आपका राशन नंबर था जो कि आपको उस वक्त मिला था वो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपने नहीं किया था तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद में अगला सवाल पूछा कि क्या आपने होमगार्ड पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है, अगर की है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, पूरा नाम आप यहां पर एंटर कीजिएगा। और फिर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका ईयर है पहले आपको यहां से आपका ईयर सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन फिर यहां से आपका मंथ और उसके बाद में डेट, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद यहां पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर यहां पर मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहां पर कुछ और सवालों के आंसर आपको करने हैं। तो गाइज आपको सवालों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में जो सवाल आपके ऊपर लागू हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, उसमें आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि पहला सवाल यहां पर है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है, अगर है आपका राशन इंप्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल है कि क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत है, अगर आप है किसी करंट में किसी जॉब के अंदर कार्यरत तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर सवाल है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, अगर की है तो यस करें, अगर नहीं किया तो आप नो करेंगे। सवाल है कि क्या आप या आपके पति पत्नी या उसके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहां पर आता है कि क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी है जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। यह मैं आपको कह रहा हूं, आप पहले आप सवाल पढ़िए उसके अकॉर्डिंग ही यस नो करिए, क्योंकि इस चीज सबके ऊपर लागू नहीं होगी और ना ही सब इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो इसलिए सवाल को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। और जब आपको लगे कि यार मैं इस कैटेगरी में आता हूं तो यस करिए, नहीं अगर आपको लग रहा कि मैं इसमें नहीं आता हूं तो आप नो करिए। इसके बाद यहां पर अगला सवाल आप पढ़ेंगे, इसका आंसर आप यहां पर यस नो में करेंगे और इस तरह से आपको यह आंसर कर देना है। इसके बाद यहां पर सवाल है कि क्या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी है लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड के बाहर रह रहे हैं, अगर रह रहे हैं तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आते डोमिसाइल डिटेल, अगर आप उत्तराखंड के निवासी है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में यहां पर आप नीचे आएंगे और जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, जनरल EWS OBC जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी कैटेगरी OBC SC ST है तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जहां पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूंग अथॉरिटी, बेसिकली जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन सी अथॉरिटी के द्वारा जारी किया है वही पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है। आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें आपको राइट साइड में नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। जनरली कास्ट सर्टिफिकेट आपका तहसीलदार के द्वारा जारी होता है, बट फिर भी आप सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, उसमें अथॉरिटी का नाम दिया गया होगा। फिर कब यह सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहां पर सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देना होगा और उसके बाद में सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट इश्यूंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, कब तक वो वैलिड है वो डेट भी आप यहाँ पर डाल देंगे, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को ये मिल जाएगी। फिर आता है कि क्या आप दिव्यांग है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी DFF आश्रित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल आता है आपका, यहाँ पर आप सवाल को पढ़िए, क्या आप अनाथ हैं जो सरकार द्वारा कवर किए गए उत्तराखंड राज्य के निवासी है, ये आपको पढ़ना है। और आप इसके अंदर अगर आते हैं तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है आपका यहाँ पर दावा श्रेणी उपश्रेणी, अगर आप यहाँ पर इन जैसे कि ये जो कैटेगरी है आपकी OBC की मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आपको ये इसका ऑप्शन देखने को मिल रहा है। फिर आता है कॉन्टैक्ट डिटेल, तो गाइज यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी एंटर करना है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, प्रेजेंट एड्रेस में आप यहाँ पर डोर नंबर स्ट्रीट नेम जो भी है वो लिख देंगे, लोकेलिटी क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, स्टेट यहाँ से आपकी जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंड देन फिर सिटी टाउन विलेज कौन सा है वो आप लिखिएगा, और जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर नीचे आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो यहां पर टिक कर दे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दे। फिर आती है लॉगिन डिटेल, यहां पर आपको एक पासवर्ड बनाना है, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। पासवर्ड आपका कैसा उसका एक एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए, पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, स्पेशल करेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल आपको करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, एनी सिक्योरिटी की डाल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने है, आप इन सभी को अच्छे से चेक कर ले, और जब आपको लगे कि मैंने सभी जानकारी चेक कर ली और सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अब आपको क्लिक है टू लॉग इन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर डालिए, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो डालिए, ये कैप्चा कोड डालिए एंड देन लॉग इन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जो कि आप देख ही सकते हैं, आपको यहां पर सेक्शन 2 में सेंड कर दिया जो कि एजुकेशन डिटेल है। आप यहां पर पहले आपकी पोस्ट सेलेक्ट करें कि आपको किस किस पोस्ट पर अप्लाई करना है, जैसे कि अगर आपको SI सिविल पुलिस मेल फीमेल इस पर अप्लाई करना है तो आप इसको टिक करेंगे, SI इंटेलिजेंस पर अप्लाई करना है तो आप इसको भी टिक कर देंगे, प्लाटून कमांडर पर भी आप एलिजिबल है और आप इसके लिए भी अप्लाई करना चाहते तो आप इसको भी टिक कर देंगे। उसी पर टिक कीजिएगा जिसकी क्वालिफिकेशन आपके पास हो, अन्यथा आपको टिक करने की जरूरत नहीं है, किसी एक पर ही आप टिक कर सकते हैं। अब आपको यहां पर नीचे आपकी क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है, तो यहां पर सबसे पहले आपको 10th की क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, इसमें हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपका स्टेट कौन सा है जहां से आपने आपकी 10वीं की है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है, आपको यहां पर काफी बोर्ड देखने को मिल रहे हैं तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर ले। अगर आपका बोर्ड यहां पर लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है तो आपको अदर्स का ऑप्शन दिया है, आप अदर्स सेलेक्ट करके खुद से आपके बोर्ड का नाम यहां पर एंटर कर देते हैं कर सकते हैं। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग, तो किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी 10वीं वो साल आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अंदर आप हाई स्कूल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क्स में आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है, तो यहां पर मैं मार्क्स सेलेक्ट कर लेता हूं। मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे, फिर मैक्सिमम मार्क्स में बताना कि कितने में से आए थे और परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपके यहां पर ऐड हो जाएगी। अब आपको सेम वे में 12वीं की जानकारी भरनी है तो आप 12वीं सेलेक्ट कर लेंगे, यहां पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जो स्टेट बोर्ड है वो आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहां से आपने 12वीं की है, एंड देन फिर जो आपका बोर्ड है वो कौन सा है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको यहां पर पासिंग ईयर एंटर करना है सेम तरीके से, सब्जेक्ट में आपको बताना है आर्ट्स कॉमर्स एग्रीकल्चर साइंस जिससे भी किया है वो ये आप सेलेक्ट कीजिए, किसके अंदर आपके नंबर है वो सेलेक्ट कर लीजिए, कितने नंबर आपको आए थे वो डाल दीजिए, एंड कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में डालेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके आप इसको भी ऐड कर देंगे। अब आपको यहां पर फिर से क्वालिफिकेशन टाइप में सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर ले, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा सेलेक्ट करें, इंटीग्रेटेड UG है तो वो सेलेक्ट करें, अगर ग्रेजुएशन है तो आपके पास आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां पर डिग्री बताने की आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, तो जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहां पर आपकी यूनिवर्सिटी का स्टेट सेलेक्ट करना कि कहां से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन वो की है, फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, एंड उसके बाद में आपको डेट ऑफ इश्यूंग ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट, कब आपकी जो फाइनल ईयर मार्कशीट है वो जारी हुई थी वो डेट आपको यहां पर डालनी होगी, पहले डे, फिर आपका जो मंथ है वो, और उसके बाद में आपको यहां पर आपका ईयर भी लिखना है। ये लिखने के बाद में गाइज आप यहां पर आपका जो
फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको थर्ड सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं डेमो के लिए नंबर आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अब आपको कितने नंबर आए थे वो नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। आपके रियल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स एंटर करने और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। अब अगर आपके पास और भी कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो वो भी जानकारी आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए एंड सेम तरीके से भर दीजिए। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर पूछा है कि क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर इसके बाद क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद क्या आप ऊंचाई एवं सीने की माप में छूट चाहते हैं। जो छूट मिलती है अगर आप वो चाहते हैं तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है एग्जाम सिटी सेंटर। तो पहली चॉइस आप किस सिटी को दे रहे हो वो सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। सेकंड चॉइस आप किसको दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर इसके बाद में क्या यूकेपीएससी यूपीपीएससी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर इसके बाद में सर्टिफिकेट आईडी, तो आपको कोई एक आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक आईडी सेलेक्ट करने के बाद में उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर डालना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर अपलोड इमेज का सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर आपका लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ अपलोड करेंगे विद फ्रंट फेस और उसका जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिग्नेचर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप यहाँ पर क्लिक है टू व्यू स्टेप्स टू रिड्यूस फाइल डायमेंशन, इसके ऊपर क्लिक करके जान सकते हैं कि कैसे आप आपके फोटो का डायमेंशन रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा आपका फोटो अपलोड करने का ऑप्शन। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। तो मैंने ये डेमो के लिए फाइल सेलेक्ट की है। अब मैं इसको यहां पर वेरीफाई करता हूं। तो इस तरह से वेरीफाई होकर के आपका फोटो आ जाएगा। फिर आपको यहां पर आपका साइन सेलेक्ट करना है, जहां पर भी आपकी साइन की फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। एंड देन यहां से आपको इसको ओपन करना है और फिर वेरीफाई कर देना है। तो आपका साइन भी यहां पर अपलोड हो जाएगा। अब आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहां पर टिक कीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। बेसिकली आपका फॉर्म यहां पर सबमिट हो चुका है। कोई भी एप्लीकेशन फीस यहां पर नहीं है, ना तो एप्लीकेशन फी ना प्रोसेसिंग फी। तो आप यहां पर सभी जानकारी को चेक करते हुए आएंगे और डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे दोनों पर, और इनके ऊपर टिक करने के बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको एक बार फिर से फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। और अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। आपका फॉर्म यहां पर इस तरह से भरा जा चुका है। और ये आप यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। प्रिंट पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग उत्तराखंड पुलिस एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।